हेलो फ्रेंड, हम इस वीडियो में धागा के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जैसे आपका सिलाई मशीन का धागा है, बहुत बार बार टूटता है, धागा टूटने का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, तो यह वीडियो जो है आपके लिए है। तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोई भी कंपनी का धागा यूज करते हैं, बार बार टूटता है। धागा टूटने का कोई एक रीज़न नहीं है, धागा टूटने का बहुत सारा रीज़न है। तो देखिए आपको जो है आज बता देंगे धागा टूटने का जो रीज़न है क्या है। सबसे ज़्यादा धागा टूटने का कारण यह है कि जैसे जो हम लोग रील लाते हैं मार्केट से, देखिए यह जो रील है इसमें इतना धागा है और यहाँ से देखिए दबा हुआ है। तो सबसे जो बड़ा कारण है धागा टूटने का यही है। देखिए ऐसा धागा अगर हम लगाएंगे इसमें तो चलेगा नहीं। देखिए रुक रुक के क्या होगा, चलते चलते रुक जाएगा, यही धागा जो है फंसेगा और टूट जाएगा। तो अगर आप दुकान से रील ले रहे हैं तो आपको जो है धागा का जो रील है ऐसा नहीं लेना है, आपको पूरा राउंड लेना है, गोल जैसे बनाया हुआ रहता है। देखिए यह धागा जो है कम हो चुका है, लेकिन देखिए इसका जो है जो धागा का रील है गोल है, इधर भी और इधर भी। देखिए ऐसा धागा जो है नहीं टूटेगा। और बहुत बार क्या होता है कि कच्चा क्वालिटी का धागा भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे बहुत सारा कंपनी बनाता है धागा, तो आपको जो है पॉलिएस्टर का धागा लेना है, कोई भी कंपनी का धागा नहीं लेना है। जैसे बार बार टूटेगा तो पहले जो है आपको धागा भी चेक करके देख लेना है। देखिए यह जो धागा है इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन बार बार टूट रहा है, थोड़ा सा देखिए खींचने पर जो है टूट रहा है। तो बहुत सारा कंपनी जो है धागा नहीं टूटता है, मजबूत आता है, जैसे स्पून प्लिस्टर वर्धमान यह सब जो धागा है बहुत ही मजबूती के साथ रहता है। तो ऐसा धागा आप यूज कर सकते हैं, आपका धागा जो है बार बार नहीं टूटेगा। नहीं तो आप मोटा वाला भी रील यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहता है। देखिए ये भी जो है खींचने के बाद भी नहीं टूट रहा है, तो ऐसा भी आप रील यूज कर सकते हैं। आप सिलाई में धागा जो है बार बार नहीं टूटेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सिलाई मशीन में धागा डालते हैं, जैसे यहाँ से धागा डालते हैं और धागा डालते डालते यहाँ पर आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, तो यहाँ से जो है टाइट नहीं रखना है। धागा डालते समय ज़्यादा टाइट रहेगा तो क्या होगा, अगर आप सिलाई करेंगे तो यहाँ से खिंचाव लेगा और यहीं से धागा टूट जाएगा। बहुत बार सुई से भी धागा टूटता है, अगर आपका सुई के नोक खराब रहेगा तो सुई के यहाँ से भी धागा टूटता है। तो आप जो है धागा टूटने का एक कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है। तो आप सारे जगह पर चेक करके और देख लीजिए और अपना सिलाई मशीन जो है सही कर लीजिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।